मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 59। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। पठन अभियान ने ये हिंदी की है, लिख लीजिए। डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास जो भी आपकी है 6th, 7th, 8th आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्लीज और शेर, इटली रोम की लोक कथा। ठीक है, तो ये एक हम कहानी पढ़ने वाले हैं जो इटली और रोम में सुनाई जाती है। किसकी कहानी है, चलिए देखते हैं। पुराने जमाने में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे, यानी कि गुलामों को वो खरीद लेते थे और अपने पास रखते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था, यानी कि जो उनके मालिक हैं वो उनको जो भी ऑर्डर देंगे वो उन्हें फॉलो करना होगा, ठीक है, हर कीमत पर। ऐसे ही एक दास का नाम एंडोकीज था। एंडोकीज का स्वामी अपने दोस्तों के साथ अशुभ व्यवहार करता था, है ना, यानी कि जैसे जानवर होते हैं ना, उनके साथ जैसे उन्हें मारा जाता है, उनको काटा जाता है ना, सड़ा बेकार खाना दिया जाता है, उस तरह से अपने दासों के साथ यानी अपने गुलामों के साथ व्यवहार करता था। लिखा है उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था, है ना। एंडोक्लीज को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती थी, यानी इसी तरह के जुल्म जातियां सहनी पड़ती थी उसको भी, कि सारा सारा दिन काम करो, है ना, और उसके बावजूद रात में खाना नहीं मिलता था। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा, यानी कि अब वो इन सब परेशानियों से थक चुका था, तो यहाँ से भाग गया और जंगल में जाके रहने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंडोक्लीज डर गया, भाई शेर को देख के तो कोई भी डर जाएगा। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला, यानी उसे पूरी तरह से अवसर नहीं मिला वहां से भागने का। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंडोक्लीज को कुछ इशारा कर रहा था, ठीक है। एंडोक्लीज का भय दूर हो गया, यानी अब उसे पैर उठा के कुछ इशारा कर रहा था, तो उसको भी जो डर था वो खत्म हो गया कि भाई ये शेर हमें खाएगा नहीं, ठीक है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटी का रस डाल दिया, है ना, यानी दवाई लगा दिया। उस जमाने में दवा तो होती नहीं थी, तो जड़ी बूटियां ही वगैरह डलती थी। शेर को आराम मिला, उसने एड्रेस को कोई हानि नहीं पहुंचाई, यानी कि वो चुपचाप वहां से चला गया। शेर और एंडोक्लीज गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंडोक्लीज को खोज, अब क्या लिखा, देखिए, अब दोनों लोग साथ में रहने लगे। अब इधर खोजने के लिए सौम्यप्त के सिपाही जंगल में घूम रहे थे, यानी कि वो लोग चाह रहे थे कि भाई अब हमें ये एंडोक्लीज मिल जाए, है ना। उन्होंने एंडोक्लीज को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले गए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा एक मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डालने का हुक्म दिया, यानी अब क्या कहा कि पहले तो इसे कारावास में डाल दो, यानी कि जेल में डाल दो, कैद खाने में डाल दो, और उसके बाद एक महीने बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देना, ताकि ये शेर इसे नोच नोच के खा जाए, ठीक है। नियमित तिथि को स्वामी के दरबार लगा, यानी कि अब जो उसका मालिक था उसका दरबार लगाया गया। एडवोकेट को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बाड़े में क्या कर दिया, पिंजरे में डाल दिया गया। तो अब उसके भाई जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। भूखा शेर लपका, तुरंत एडक्रोस को देखकर वह शांत हो गया, है ना। पहले वो उसे खाने के लिए दौड़ा, लेकिन एकदम उसे शांत हो गया। एंडोक्लीज के पास आकर वे उसके सामने बैठ गया, है ना। उपस्थिति जनसमूह, यानी कि जो भी लोग बैठे हुए थे जो ये दृश्य देख रहे थे, चकित रह गए, हैरान रह गए। वास्तविकता ये थी कि ये वही शेर था जिसके क्या था, पंजे से एंड्रोकेस ने काटा निकाला था। शेर एंड्रोकेस को पहचान गया था। अब क्या हुआ, एंड्रोकेस ने तब स्वामी को पूरी घटना बताई। ये सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोकेस को क्या कर दिया जाए, दासता के बंधन से मुक्त कर दिया जाए, ठीक है। स्वामी ने लोगों की बात मान ली,
उन्होंने क्या करा, एंड्रोक्रेस को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्रेस आज से तुम स्वतंत्र हो, यानी कि अब तुम आजाद हो, अब तुम जैसे दिल चाहे वैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। ठीक, अब यह देखिए लिखा है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ तथा उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो उन शब्दों की सूची बनाइए, अपने शिक्षक या शिक्षिका या फिर परिवार के सदस्यों से उनका अर्थ और उच्चारण पूछकर उसका अभ्यास कीजिए। तो ये काम तो आप लोग खुद से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हमें पशुओं के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी कि प्यार वाला, है ना, स्नेह वाला। ऐसा नहीं है कि हम उनको पशु हैं तो खुद भी उनके साथ पशु ही बन जाए, है ना। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित, यानी बताइए ये सही है या गलत। इस संदर्भ में 5 वाक्यों में अपने विचार को लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं, मनुष्य को मनुष्य द्वारा दास बनाना या गुलाम बनाना अनुचित है, ये सही नहीं है। इसके 5 कारण जो है उन्होंने बोले थे वो हमने लिख दिए कि भाई सबको स्वतंत्रता प्रिय है, है ना, सब आजाद रहना चाहते हैं, सबको अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार है, है ना, हम किसी के ऊपर अपनी इच्छा जबरदस्ती नहीं थोप सकते, है ना, सबकी अपनी इच्छाएं होती है, ये देखिए नहीं थोप सकते, सबकी अपनी इच्छा होती है। और व्यक्ति कोई पशु थोड़ी ना जिसको कैद करके रख लिया जाए या जिससे अपनी गुलामी करवाई जाए। ठीक है, यहाँ तक तो कहा जाता है कि पशुओं के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो पहले जमाने में लोग दूसरे लोग के साथ करते थे। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो का भी खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।